ନିରୋଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଦରଭଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲାର ହାୟାଘାଟ ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁଠି ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଜାଣିବା ଏଠାକାର ଭୋଟରମାନଙ୍କର କ'ଣ ମୁଡ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ଘାଟ ଯେଉଁଟାକୁ ହାୟାଘାଟ ମଧ୍ୟ କହୁଥିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଘାଟ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ପାଇଁ ଏହି ଜାଗାଟି ଫେମସ୍ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହାୟାଘାଟ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଭୟା ଆପକାଲ ଯାଏଙ୍ଗେ ଭୋଟ୍ ଦେନେ କି ତୋ କ୍ୟା ମୁଦ୍ଦେ ରହେଙ୍ଗେ, କ୍ୟା ଦେଖତେ ହେଁ ଆପ ମୁଦ୍ଦେ କ୍ୟା ରହେଙ୍ଗେ? मुद्दे सरकार चेंज आ रही है, हम लोग का यहाँ कोई देखने सुनने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ सरकार चेंज करेंगे तो करेंगे चेंज इस बार। मुद्दे क्या रहेंगे, क्यों बदलेंगे, किस लिए बदलेंगे, कारण क्या है? यहाँ बेरोजगार देखने सुनने वाला नहीं है, सब बेरोजगार घूम रहे हैं एकदम, इस टाइम सब गरीब है। इस टाइम यहाँ हम लॉकडाउन में कोई नेता नहीं आई, वो करे सब कर रहे। हम लोग सरकार चेंज करेंगे, जिसको हम लोग चुन लिए उसी को हम लोग लेंगे। उम्मीद है कि जिसको बदलेंगे जो भी सरकार में आएगा काम करेंगे। क्या करेंगे आप, जाएंगे वोट देने के लिए जाएंगे ना? क्या मुद्दे को लेकर जाएंगे वोट के लिए? उम्मीद क्या रखे जाएंगे? उम्मीद क्या जो काम करेगा उसको देंगे। क्या कैसा काम करेगा, क्या क्या चीज में काम होना चाहिए? पूरा रोड का, गांव का, स्कूल का, गांव में स्कूल होना चाहिए। पेपर मिल चाहिए हमको, चलो हमको अशोक पेपर मिल, हमको जो सरकार बोलेंगे, चीनी मिल या अशोक पेपर मिल चालू करेंगे, हम लोग उसको वोट देंगे। उसके ऊपर हम लोग विश्वास कर रहे हैं। अगर लगेगी तो रोजगार युवा है आप तो युवा वोट देने के लिए, गांव के लिए रोजगार का बौछार जैसा होता है ना, तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लोग चुनाव से पहले, मतदान से पहले उन लोगों ने रोजगार का बौछार कर दिया। कोई 10 लाख की बातें कर रहे हैं, कोई 19 लाख की बातें कर रहे हैं, कोई बोल रहे हैं वो महीना 1500 रुपया देंगे। आप क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं, उम्मीद क्या रखते हैं आने वाली सरकार से, मुद्दे क्या रहेंगे आपके पास? जो बोलना आपको बोलिए। नहीं यही कि जो रोजगारी रोजगार बेरोजगार है वो मिले बस, और क्या चाहिए। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा रही है सबसे बड़ा मुद्दा। अटकर और की चंदी गाड़ी होता गिन बंद है, मोदी सरकार ना चलना है, दान है मतदान करेंगे, एक बार सरकार बदल के देख रहे हैं, फिर दूसरी बार नई सरकार आएगी। सामने क्या रहेंगे भाषा मुद्दे इस बार? हम लोगों के सामने बस रही है कि बेरोजगारी हिंदुस्तान से हटे। बिहार की बात कीजिए, बिहार में तो ये है, बिहार का 95% आदमी बैठ कर खा रहा है, न काम है न धंधा है, हाल रोजगार सब खत्म है। कहते हैं कि चीनी मिल स्टार्ट हो जाए, पेपर मिल स्टार्ट हुए, यहाँ का जो एल्युमिनियम फैक्ट्री स्टार्ट हो जाए, 2-4 मिल चालू हो जाएगा, उससे दाल रोटी चले, हम लोग यही चाहते हैं। परिवर्तन कथा कहतु, रोजगार कथा कहतु, विभिन्न प्रसंग भाई क्या रहेंगे आपके, क्या उम्मीद रखे कल जाएंगे सरकार की? उसकी सरकार बनेगी, निश्चित बनेगी, दुनिया नहीं है क्या रही है उसको, बच्चे को मुड़ करवा दिया उसको, ये कितनी बेटी का रिश्ता टूट गया, इसलिए SP यादव का सरकार बनेगी तो बनेगी। मिलित प्रसंग फैक्ट्री कथा कहते हैं भोटर भैया कल जाएंगे ना वोट देने? जरूर जाएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे, उम्मीद क्या रख के जाएंगे वोट देने के लिए? उम्मीद क्या रखें, भी विधायक बनेंगे आप, जिसको भी वोट देंगे, वादे तो सभी ने वादे किया था, तो आप किस वादे पे वोट देंगे? हम भी चाहते हैं जो करें और विकास की और बिहार बढ़े, विकास है तो विकास कैसे होना चाहिए, बस सरकार को चेंज करना ही से होगा। मुख्यमंत्री नीतीश को खराब नहीं है, खराब नहीं तो विकास तो हुआ, नहीं हुआ सो बात नहीं है, ठीक है, विकास है तो विकास है, रह गया जहाँ पर देखिए उसी हिसाब से वोट डालिए, अपना मत है, किसी के दबाव में नहीं, जहाँ मर्जी तहाँ देंगे। रोजगार कथा, विभिन्न प्रसंग, फैक्ट्री कथा आलोचना मध्य करते, जहाँ हायागढ़ भोटर मान जहाँ मूड रही है बर्तमान निहत भाव में, यहाँ तक शिक्षा कथ कहतु, विकास कथा एथर मुद्दा करते, जहाँ को आधार करके आसंता काली भोट देवाई जाते। देखा बाकी रहा 10 तारीख किए बिहार बाखा बिजय मुकुट बिहारवासी क्या पिंधौते।